إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم और औरजज़ ख़वा सरह यूसुफ़ की तफसीर का ये सिलसिला आपकी ख़िदमत में पेश किया जा रहा है आज के इस दरस में इनशा आयत नंबर ट्वेंटी इस आयत के तल्ल़ से बात आपके सामने रखी जाएगी और अगर वक्त रहा तो इनशा आयत नंबर ट्वेंटी वन के तल्ल से भी अगर वक्त रहा तो कुछ बातें रखी जाएंगी तो पहले हम पढ़ते हैं आज के इस दरस में आयत नंबर ट्वेंटी जिसमें अल्लाह तबारक व का इरशाद है कि व शर हो व शर हो बख्स व शर हो बेसम बखसिन दरो महदनू में दिन व शर हो बख्स मिन मैं इस आय की तफसर में जो मुफसरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं वो सारे अकवाल भी आपके सामने पेश पेश करूँगा अकवाल का मतलब कि उनके जो डिफ़रेंट टाइप के जो है उनके जो ओपिनियंस हैं इस आयत की तफसीर के ताल्लुक से वो भी इन पेश करेंगे और इस आयत के अंदर हमारे लिए नसीहत की क्या बातें हैं उसको भी उजागर करने की कोशिश करेंगे तो पहली बात है व शरा हो व हो और उन्होंने उसे बेच दिया व हो शरा अरबी जबान में ऐसे ही बा बा और शरा तो ये दो जो लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल किए जाते हैं इनको कहा जाता है अरबी जबान में लगात अजदाद लगत अजदाद का मतलब ये होता है कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो अपोज़िट माना भी देते हैं यानी उनको दोनों माने में इस्तेमाल किया जाता है तो शरा का लफ्ज ऐसे ही बा का लफ्ज़ खरीदने और बेचने दोनों माने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ आप लोग चूंकि इस तरह पहले पढ़े होंगे कि इस तरह के माना होता है आ, ही बॉट उसने खरीदा तो यहाँ पे जो है शराह हो शरौ है तो आप इसका माना और उसको बेच दिया क्यों करते हैं इसी के नीचे जो बाद वाली आयत है वह कौल लरा हो तो इश्तराहों के माने यहाँ ख़रीदने के हैं जिसने उसको ख़रीदा और ये शराहों के माने बेचने के हैं ये तो शराह के अंदर ये माना पाया जाता है ख़रीदने का भी और बेचने का भी तो हमने आपसे कहा कि अरबी जबान की खूबियों में से एक ख़ूबी है कि अरबी जबान में अल्फाज ऐसे भी हैं जो दोनों माना देते हैं यानी जो माना है एक उसका जो अपोज़िट माना होता है जैसे बेचना ख़रीदना दोनों माने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है और हमें यह देखना पड़ता है जहां उसे इस्तेमाल किया गया है यूज किया गया है उसके लिहाज से कि वो खरीदने के माना में है या बेचने के माना में है तो यहां मेरे भाइयों इस बात को आप जो है नोट कर लीजिए कि ये शराह हो किसके माना में है बेचने के माना में है वह शराऊ दूसरी बात जो नोट करने की है वो क्या है शराह में भी प्रोनाउन है और हु प्रोनाउन है हु प्रोनाउन ये तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि हो जो है प्रोनाउन ये यूसुफ सलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है लेकिन शराब में जो प्रोनाउन है वो किसके लिए है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है तो इस सिलसिले में मुफस्सरीन की मशहूर दो राय है वैसे तीन राय जो है जिक्र की जाती है लेकिन मैं दो राय आपके सामने जिक्र करूंगा दो ओपिनियन उनके एक तो यह है कि शराह की जमीर ये ये प्रन भाइयों की तरफ लौट रही है यूसुफ के भाइयों की तरफ व शराहु का माना यह हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया व शराहु और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया ये माना होगा जब हम कहेंगे कि शरों में जो प्रोनाउन है वो सलाम के भाइयों के लिए है तो ये माना होगा मेरे भाइयों अब सवाल यही आएगा कि यहाँ तो उस काफिले के लोगों में से जो आगे आगे आए थे पानी वगैरह की तलाश में वो लोग जो थे वो जो जमात थी उन्होंने जो कुएं से जो अपना डोल निकाला तो यूसुफ्लम बाहर निकले भाई लोग कहाँ से आ गए यहाँ पर तो अब यहाँ मुफसरीन को जो इस बात के कायल हैं कि ये बेचने वाले अलैहिस्सलाम के भाई थे उनको अब ये पूरी एक कहानी वहाँ पेश करनी पड़ती है वो कहानी ये कि यूसुफ को कुएँ में डालने के बाद तो ये भाई लोग चले गए घर में और एक नई कहानी गढ़ करके वहाँ पेश कर दी और उसके बाद उनका जो एक भाई यहूदा था ये यहूदा आ करके के देखता रहता था तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये यहूदा आया था देखने के लिए तो उसने देखा कि एक जमात मुसाफिरों की जो मिस्र की तरफ सफ़र करने वाली एक जमात उनके कुछ लोग जो है कुएं के पास आए हैं और आ कर के जो है उसे निकाल रहे निकाले हैं यूसुफ को तो जा कर के भाइयों को बताया फिर ये भाई लोग आ कर के सब जो है उन्होंने जो है क्या किया पहली बात तो ये कि अब आकर के फौरन कि ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है अब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कोई बहुत छोटे नहीं थे उस वक्त इतने बड़े थे कि आसानी से जवाब दे सकते थे लेकिन अब यहाँ मुफस्सरीन को ये भी बयान करना पड़ता है ये भी कहना पड़ता है कि उन्होंने यूसुफ को भी इशारा कर दिया धमकी दे दी कि अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हारी खैर नहीं इसलिए हम जो कहते हैं उसी पर तुम्हें अमल करना है और उसी के मुताबिक रहना है तो यूसुफ को धमकी का जो है मामला हुआ और भाइयों ने अपने जो है इस भाई को यूसुफ को उस जो है आ, काफिले के हाथों बेच दिया और बहुत ही मामूली कीमत में जिसका आगे चल करके तस्कर आएगा तो ये प्रोनाउन किसके लिए है भाइयों के लिए लेकिन उसमें ये पूरी कहानी आपको बनानी पड़ेगी पूरी कहानी यहाँ पर जो है महजूफ़ माननी पड़ेगी कि ऐसा पूरा ऐसा सब कुछ हुआ ये भाई लोग आए और इन्होंने कहा कि ये हमारा अपना जो है गुलाम है जो भाग गया है बड़ा भगोड़ा किस्म का है और इसी वजह से उन्होंने उसको बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया उन लोगों से काफिले के लोगों से लेकिन दूसरी जो है राय जो इसमें है वो ये है कि ये शराव की जो जमीर है जो प्रोनाउन है ये यूसुफ के भाइयों के लिए नहीं है बल्कि ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की गई है जिन्होंने उसे कुएं से निकाला था और सामान्य तिजारत कह करके उन्हें छुपा के रखा था किसी को इल्म न हो जाए कि ये ऐसे ही मिला हुआ है और ऐसे ही जो है इनको ये गुलाम मिल गया है किसी को इसका अंदाजा ना हो उसके लिए छुपा करके रखा तो इन लोगों ने जब ये मिस्र के बाजार में पहुंचे तो वहां जा के इन्होंने बेचा इसको बेचने वाले कौन हुए अब यहाँ पर ये बेचने वाले ये काफिले के वो लोग थे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला था और जो है उनकी तो निकालने के लिए डोल नहीं डाले थे पानी के लिए डोल डाले थे पानी के लिए अपना जो है बकेट डाले लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जो निकल करके आए तो उन्होंने छुपा करके रखा उनको उनकी पूरी बातों को छुपा करके रखा और सामान्य तिजारत के तौर पर लोगों के सामने पेश किया और ले जा के मिस्र के बाजार में उसे बेचा तो इंतहाई कम कीमत में उसे बेच दिया वह शराव हो बेसमनिम तो ये बात हुई और इसी के जस्ट बाद जो आयत आ रही है उसमें भी क्या है कि मिस्र में से जिसने उनको खरीदा इसका मतलब ये हुआ कि ये बेचने का अमल वही मिस्र में हुआ वरना यहाँ पर भी फिर आपको एक कहानी और जो है महजूफ़ माननी पड़ेगी वो कहानी क्या होगी कि यूसुफ आसलाम के भाइयों से पहले ये काफिले के लोगों ने खरीदा फिर ये लोग मिस्र मिस्र ले ले गए और ले जाकर के इन्होंने वहां बेचा जब यहाँ वहां बेचा तब जो है मिस्र के जो है इस शख्स ने उसे खरीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा तो इतना सब कुछ यहां महजूफ मानना पड़ता है और अगर हम ये कहते हैं कि ये प्रोनाउन काफिले के उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है काफिले के जिन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला था तो कोई तकदीर नहीं माननी पड़ती कोई चीज यहाँ पर जो है महजूफ़ नहीं माननी पड़ेगी बात बिल्कुल क्लियर व शराव हो बेसमन कानू वे महदूद वी और उनको बेच दिया बेच दिया ये बात तो आपको समझ में आ गई कि किसने बेचा इसमें जो दो ओपिनियन है मुफसरीन के वो दोनों बातें तो आपके सामने आ चुकी है अब मसला क्या है बे बख्सिन बे बेसमान बख्सिन समन कहते हैं कीमत को प्राइस जो है अरबी जबान में और बख्स कहते हैं अरबी जबान में नक्स का माना होता है नक्श का मतलब बहुत थोड़ी बहुत कम कीमत तो माना करेंगे इसका बेसमान कलीलिन बिन बे कली बेसामिन कली बखसिन तो मुफसरन की एक राय तो ये है कि यहाँ बख्सिन का माना कलील का है थोड़ा बहुत ही कम कीमत में बेच दिया यूसुफ को इंतहाई कम कीमत में बेसामिन बख्सिन महदूद तो बेसमन बख्सिन कम कीमत में एक माना यह किया है दूसरा माना बाज़ मुफस्सरीन ने इसका जिक्र किया है कि न हराम बख्स का माना यहाँ पर हराम के है क्योंकि ये गुलाम तो थे नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनको ले जा करके गुलाम के तौर पर बेचा तो ये कीमत पूरी की पूरी हराम हुई क्योंकि किसी भी आज़ाद बंदे को बेचना ये हराम है तो उसकी कीमत भी हराम हुई तो ये माना हुआ कि और उनको बेच दिया हराम कीमत में ये बात जो है कही गई है मुफसरिन की तरफ से और बाज लोगों ने जुल्म का माना भी किया है तो जुल्म का माना भी पलट करके वो थोड़े का माना ही आखिर में आएगा कि इनको बहुत थोड़ी कीमत में बेच दिया बहुत कम कीमत में बेच दिया यह है व शरा बेसा बखसिन और जिन लोगों ने इनको निकाला था कुएं से यही मुझे ज्यादा सही मालूम होती है तफसीर इस पूरे जो है स्या के लिहाज से ये पूरे इस पूरे कॉन्सेप्ट में मुझे यही तफसीर सबसे बेहतर मालूम होती है कि जिन लोगों ने कुएं से निकाला था उन्होंने निकालने के बाद उनको सामान तजारत के तौर पर पेश किया और मिस्र के बाजार में ले जा कर के उनको इंतहाई कम कीमत में बेच दिया कितनी कम कीमत जो है उसका जिक्र किया दराहिमा मादुदा अरबी जबान के लिहाज से दराहिमा ये जो पढ़ा गया है यहाँ पर दराहिमा महदूदा तो कहा जाता है कि दरा ये बदल है अरबी जबान में क्या कहते हैं इसको अरबी ग्रामर के लिहाज से कि ये बदल है साम बखसन का यानी इंतहाई कम कीमत में उन्होंने बेच दिया यूसुफ को कितनी कम कीमत कहा अल्लाह ताला ने तिनती के चंद दिरहम दरा महदूदा गिनती के चंद दिरहम ये जो गिनती के महदूदा का मतलब क्या है गिनती के जो कि काउंटेबल हो जिन्हें गिना जा सकता हो उनको कहा जाता है मादुदा जो है आ, अद्दा अरबी में कहते हैं काउंट करने को तो दराहिम मादुदा महदूदा का माना हुआ काउंटेबल जो तो ये कभी भी इशारा होता है कि चीज़ बहुत कम है जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो बहुत थोड़ी मानी जाती हैं और जो चीज़ें गिनी ना जा सकती हों वो बहुत ज़्यादा होती है तो उस जमाने में रिवाज भी यही था ये जो सिक्के वगैरह होते थे सोने और चांदी के तो अगर ये थोड़े से होते थे तो उसे गिन करके कोई भी मामला करते थे वो लोग जो है गिनती करके मामला करते थे उस जमाने में ये चीज़ थी और अगर बहुत ज्यादा हों ये सिक्के तो फिर उसे तौल करके मुआमला करते थे उसे जो है वजन करके मामला करते थे उसे गिन करके मामला नहीं करते थे इसीलिए जब यहाँ गिनती के गिनती के चंद सिक्के, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत थोड़े से जो है बहुत थोड़े से आपने नाम सुना होगा जो है आ, बड़ी एक मशहूर कहानी है जो है अली बाबा चालीस चोर की जो है अली बाबा चालीस चोर शायद आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी पढ़ी होगी ये कहानी जो तो हम लोग बचपन में ये कहानी पढ़े हिंदी की किताब में अली बाबा चालीस चोर वाली तो उसमें क्या होता है यही ना होता है कि जो है जब अली बाबा के घर वाले पड़ोस में जाते हैं उनके जो रिश्तेदार ही हैं उनके यहाँ से तराजू लेने के लिए तोलने के लिए जो है और वहां से वो भेजते हैं तो साथ में कुछ गोंद वगैरह नीचे लगा करके कि देखें क्या तोलना है अब कुछ आदमी को जो है इस तरह का तजस होता है सस्पेंस होता है तो ला करके तौला जो है वो सिक्के ला करके जो तौले अशरफिया तोली हो और एक सिक्का लग गया तराजू में तो मालूम हो गया कि ये जो है सिक्के तोले गए हैं तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको यहाँ पर कि जब ये बहुत ज्यादा होते थे तो उस जमाने में गिनती नहीं करते थे लोग फिर उसको तोलते थे जब तो ज्यादा होना का मतलब है कि उसको वजन किया जाएगा और कम होना अगर कहना हो तो कहेंगे गिनती के यानी उसको गिना गया वहीं से ये लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है जब कहते हैं कि गिनती के चंद सिक्के गिनती के चंद दिरहम तो इसका मतलब हुआ कि बहुत थोड़े से जो है ये दिरहम थे जिनमें जो है जो उनकी कीमत लगाई गई और उस पर उनको बेच दिया गया तो यह हुआ दरा ही महदूद महदूद यहाँ ताजुब मुझे ये भी होता है कि मुफसरीन ने बाकायदा कितने दिरहम थे वो भी जो है बता दिया इसमें कि जो है बाज लोगों ने बीस दिरहम कहा बाज ने बाईस यानी ट्वेंटी टू और बाद ने जो है चालीस दिरहम की बात कही बहरहाल ये जो है गिनती के जो चंद दिरहम थे ओ वो बाकायदा मुफसरीन ने जिक्र किया है मुझे इसलिए ताज्जुब होता है कि अल्लाह तबारक व तारा ने जिस चीज को मुबहम रखा यानी उसे बयान नहीं किया हम क्यों खामखा उसको बयान करने के पीछे पड़े ये चीजें नोट करने की होती है क्यों हम अल्लाह ताला ने जब इसको पेश किया कि गिनती के चंद दिरहम जिसमें बताना मकसद ये है कि इंतहाई कम कीमत में बस यही मकसद है अब अगर हम कोई आदत बयान करते जैसे चालीस हम बोले तो बाज लोग ये भी तो कहते भाई चालीस दिन हम तो अच्छी खासी कीमत होती है कोई ये कह दे कोई बहुत कम तो नहीं है तो ये जो कम वाली बात है ना कम वाली बात कोई भी हम आदत बयान करेंगे तो शायद वो एहसास और वो फीलिंग कम की ना आ पाए जो इस लफ्ज़ में आती है बेसमन बखसन दरा महदूदा की इंतहाई कम कीमत में चंद गिनती के दिरहम के बदले उनको बेच दिया इतनी कीमत में उनको बेच दिया द्राहिम महदूदा यहाँ एक बात मैं आपके सामने और पेश करूँ जो कुरान में तो कहीं ज़िक्र नहीं है लेकिन लोग किससे कहानी के तौर पर पेश करते हैं तो सिर्फ तंबीह के लिए मैं पेश करता हूँ आपके सामने तंबीह के लिए पेश करता हूँ कि एक मरतब ये आम तरीके से जो तकरीर करने वाले लोग होते हैं ना जिनकी तकरीरों को लोग बहुत पसंद करते हैं और जाते हैं दूर दूर से सुनने के लिए अक्सर उनकी तकरीरों में इस तरह की बातें होती रहती है तो ऐसे ही किसी मुकर्रर की जबान से हमने भी सुना कि अल्लाह तबारक व ने असल इंतज़ाम किया था यूसुफ लिए सलाम के लिए जो असल में उनको एहसास दिलाना था यूसफ्लाम को जिनके जहन में उनके अपने हुस्न की वजह से उनके जमाल और खूबसूरती की वजह से जो थोड़ा तकबर उनके अंदर आ गया था उसका उन्हें एहसास दिलाना था और बाकायदा कहानी के तौर पर यह भी पेश कर देते हैं कि एक मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईने में अपनी तस्वीर देखी और अपनी खूबसूरती को आईने में देखा तो ये उनके जहन में ख्याल आ गया कि ये अगर गुलाम होता तो दुनिया में कोई इसकी कीमत नहीं लगा सकता था जो है ऐसा उनके जहन में ख्याल आया तो अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा इंतजाम किया उनके लिए कि जब बेचने की बारी आई तो चंद दिरहम में सिर्फ इन्हें बेच दिया गया बात आप शायद जो है समझ गए होंगे कि दिरहम में उनको बेच दिया गया ये जो है लोग बाकायदा किस्से कहानी के तौर पर पेश कर सुनने में तो शायद जो है बहुत अच्छी बात लगे और जो है बाकायदा वहाँ पर नसीहत के तौर पर फिर ये भी पेश कर देते हैं इसीलिए कभी भी हमें अपने किसी भी खूबी पर हमें इतराना नहीं चाहिए तकबर नहीं करना चाहिए ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए देखिए यूसुफ सलाम उस तकबुर की वजह से उनको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी और आखिरकार उनको चंद दिरहम के वज़ में मिस्र के बाजार में बेच दिया गया ये सारी बातें जो है कही जाती है लेकिन थोड़ी देर के लिए ये भी तो सोचना चाहिए कहने वालों को कि ये अलैहिस्सलाम एक नबी है और नबी बचपन से ही उसको इन सब चीज़ों से महफूज रखा जाता है उनके जहन में ये सब ख्याल क्यों आएगा और क्यों इसकी वजह से उनके लिए इतनी सारी जो है चीज़ें इतने सारे मसाइल होंगे वो इब्तिला और आजमाइश अलग चीज़ होती है लेकिन किसी गलती की वजह से उनकी किसी गलती की वजह से उनको आजमाइश का ये दौर झेलना पड़े तो ये एक अलग मसला हो जाता है थोड़ा तो ऐसा तो सोचना चाहिए नहीं इस मसले में अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश कभी भी हो सकती है और छोटी मोटी गलती भी अम्बिया कराम से हो कोई मसला नहीं है लेकिन तकबुर जैसी चीज़ जो है जो कह रहे हैं तकबुर ये ये था न बहुत बड़ा गुना है तकबर इसी तकबर ने तो यही तकबर तो इबलीस को ले डूबा तो अल्लाह ताला को कीबर ये तकबर जो है ना बहुत सख्त नापसंद है तो हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी कोई बात क्यों कहें जबकि कुरान में ना इसका कहीं कोई जिक्र है और न ही किसी सही हदीस में इसकी तरफ कोई इशारा है तो फिर हम क्यों खामखा में ये सब चीज़ें पेश करें इसी तरह से बाज लोग जो है उर्दू में ये एक बात मशहूर हो गई है तो बाज लोग यहाँ पर यह भी जिक्र करते हैं कि जब यूसुफ को मिस्र के बाजार में ले जाया गया तो वहाँ बोलियाँ लगना शुरू हुई वहाँ बोलियाँ लगना शुरू हुई यूसुफ यूसुफ्लाम के ताल्लुक से लोग बोली लगा रहे थे तो उस वक्त के जो बादशाह और जो है अजीज़ मिस्र जिसका जिक्र आ गया जिसने खरीदा था आखिर में इसको तो वो भी यानी बड़े बड़े लोग आकर के बोली लगा रहे थे यूसुफ सलाम की कीमत लगा रहे थे और फिर ये करते हैं एक बुढ़िया भी आई और बड़ी गरीब जो है बेचारी वो भी आई और उसने भी यूसुफ का दाम लगाया यूसुफ के लिए कीमत लगाई तो लोगों ने पूछा बुढ़िया से कि तुम जो है क्यों चली आई हो यहाँ तो बड़े बड़े लोग बोली लगा रहे हैं इन बड़े लोगों में तुम्हारा क्या काम है तुम कहाँ उतनी बोली लगा पाओगे कि जो है ये तुमको मिल जाएंगे जो है तुम क्यों जो है इस सिलसिले में जो है सोच रही हो क्यों आके बोली लगा रही हो तो क्या कहती है बुढ़िया कि मैं तो खरीद नहीं पाऊंगी ये मुझे पता है लेकिन कल तारीख में ये नाम तो रहेगा कि यूसुफ के खरीदारों में एक बुढ़िया भी थी तो मेरा नाम भी रहेगा कि एक बुढ़िया ने भी बोली लगाई थी तो यूसुफ के खरीदारों में हमारा भी जिक्र हो जाएगा इसलिए जो है हम चले आए ये सब भी क्या है फिर कहानी के तौर पर तो अच्छी लगती है चीज़ फिर ये बात जो है उसी वक्त शुरू सही मालूम होगी जबकि हम ये कहें कि भाइयों ने चंद जो है दिरहम में इनको बेच दिया था यूसुफ अल्लाम को और फिर ये लोग ला करके मिस्र के बाजार में उसको बड़ी कीमत में जो है बेचे तब जा करके ये बात समझ में आ सकती है लेकिन उसका तो कहीं यहाँ जिक्र है नहीं ऐसी कोई बात तो है नहीं तो ये चीजें हैं जो जिक्र की गई है हालांकि जो असल बात जिक्र करनी चाहिए उसको लोग भूल जाते हैं वो क्या है असल जो हमें नसीहत मिलती है इससे वो क्या है कहते हैं कि जो चीज बगैर मेहनत के हासिल हो जाती है उसकी रगबत इन उसकी कीमत का अंदाज़ा इंसान को नहीं होता है जो चीज़ बगैर मेहनत के हासिल होती है याद रखिएगा उसकी कीमत का उसकी वैल्यू का अंदाज़ा इंसान को नहीं होता है ये चीज हमें मालूम होती है यूसुफ असलाम को इतनी कम कीमत में ले जा के बेच देना जबकि बात आपके सामने आ चुकी है कि दुनिया का आधा हुसन उनके पास था इंतहाई खूबसूरत थे और अभी बहुत कम उम्र भी थे ऐसे किसी भी बच्चे को जो इंतहाई खूबसूरत भी है और जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है हर कोई जो है उसे लेना भी चाहेगा और हर कोई अपना बेटा बनाना भी चाहेगा और ऐसे जो है बच्चों की पेशानी से उनके चेहरे से उनकी दाँत और फरमादारियाँ भी झलकती हुई नज़र आती हैं ऐसे किसी शख्स की कीमत इतनी कम हो ये जरा सा जो है सोचने की बात है इतनी कम कीमत ये क्यों ऐसा हुआ क्योंकि जिन्होंने इनको हासिल किया था उन्होंने सही तरीके से इनको हासिल नहीं किया था वो तो चोरी छुपे ला करके उनको बेच रहे हैं ये असल में ना इनका गुलाम है ना ही इनको जो है इन्होंने उसे खरीदा है बल्कि हकीकत यह है कि ये लब बच्चा मिल गया और ला करके इस बच्चे को बेच रहे हैं मिस्र के बाजार में ला करके बेच रहे हैं तो चूंकि उनको उसकी कीमत का सही अंदाजा नहीं है सही अंदाजा का मतलब क्या है कि चोरी का माल है ना चोरी का माल सस्ते दामों में जाता है ये तो आप बहुत सुने उर्दू में मुहावरे के तौर पर कहते हैं कि चोरी का माल सस्ते में जाता है वो थोड़ी ना जो है कोई जो है उसके लिए बड़ी कीमत तलब करेगा तो आदमी कोशिश ये करता है कि जल्दी से इसको अपने पास से निकाल दे उसके पास उसकी वैल्यू नहीं होती है यही है यही चीज हमको समझ में आती है याद रखिएगा ये पॉइंट कभी कोई चीज आपको बहुत सस्ते में अगर मिल रही है तो याद रखिए कि दिल में आपके डाउट आना चाहिए उसके बारे में कि हो सकता है दाल में कुछ काला हो या तो इसे चुराया गया है या ये कि घर का ही आदमी अपनी जो है किसी मजबूरी की वजह से बेचना चाहता हो कोई ना कोई कहानी इसके पीछे छुपी होगी उसे मालूम करने की कोशिश कीजिए जबकि लोग करते क्या है ऐसे मौके पर अरे सस्ते में मिल रहा है तो किसी को पता ना लगे ऐसे ही खरीद लेते हैं और बाद में पता लगा कि नहीं ये चोरी का माल था तो कौन पकड़ा जाएगा वही आदमी पकड़ा जाएगा जिसने खरीदा चोरी का माल अगर पता है तो खरीदना भी नहीं चाहिए हराम है ये शरीयत के अंदर जायज नहीं है ये शरीयत के अंदर तो ये पॉइंट नोट कीजिए ये इससे मालूम होती है चीज तो जो चीज़ इंसान को बगैर मेहनत के हासिल हो जाती है उसकी कीमत उसका सही अंदाज़ा उसे नहीं होता है ये सिर्फ चोरी के माल की बात नहीं है ऐसे ही वो बच्चे जिनको विरासत में बाप की तरफ से घर वालों की तरफ से बड़ी दौलत मिल जाती है तो देखेंगे कि उनके यहाँ दौलत की कदर नहीं होती है और जो लोग बड़ी मेहनत से इसे कमाते हैं कमा करके जो है अपनी खुद जो है एक पहचान बनाते हैं तो आप उनको देखेंगे कि वो पैसे को बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं और बेदरेग पैसे को बहाते नहीं हैं पैसे की कीमत को वो जानते हैं यह है असल मामला जो तो ये चीज इसीलिए कहा जाता है अलामा इब्ने खलदून को आप जानते हैं इब्ने खल्दून को जो कि सोशल uh, स्टडीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज जिसको आप जो है सोशल साइंस कहते हैं उसके लिए वो उन उस, इस फन का उनको जो है बानी माना जाता है यानी इसके जो है बहुत अहम जो है इमाम माने जाते हैं ये इब्न खूँ उन्होंने तारीख़ की जो किताब लिखी है तारीख़ की किताब के लिए जो मुकदमा लिखा था उन्होंने जो मुकदमा इब्न खून के नाम से जाना जाता है उसमें उन्होंने एक बात जिक्र की है इंसानों के तालुक से और इंसानी तबीयत के ताल्लुक से कहा कि जब कोई भी चीज़ हो चाहे कोई बादशाहत हो या जो है और भी दूसरी चीज़ें जो है हैदे वगैरह जो होते हैं मुख्तलिफ इदारे वगैरह जो बनते हैं बिगड़ते हैं कहा कि उसके चार जो है शुरू में उसकी चार जो है आम तरीके से यानी जनरली ऐसा होता है जो है उसके अलावा भी मिसालें मिल जाएंगी आपको लेकिन वो बहुत कम लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो बानी कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है मोसिस कहा जाता है ना उसने खुद मेहनत करके उस चीज को स्टेबलिश किया है तो उसकी कीमत वो जानता है उसकी अहमियत वो जानता है उसकी वैल्यू वो जानता है तो वो बहुत ही उस सिलसिले में सेंसियर होता है और उसमें से कोई भी चीज बर्बाद हो जाए ये उसे गवारा नहीं होता है दूसरे नंबर पर फिर कौन होता है उसके बाद उसका अपना बेटा आएगा उसकी जगह पर बादशाह में भी यही होता है जब बेटा आता है तो बेटे ने अपने बाप को देखा होगा क्योंकि जब बाप ही जो है वही उसका फाउंडर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप जिस उम्र में ये सब हासिल किया होगा तो उस उम्र तक पहुंचने में बेटा भी जवान हो चुका होगा तो बेटा अपने बाप को करते हुए देखा होता है अपने बाप की मेहनत देखा होता है और कभी ऐसा भी होता है कि खुद भी बाप के साथ मेहनत किया हुआ रहता है तो बेटे को भी कुछ ना कुछ उसकी हैसियत उसकी अहमियत और उसकी वैल्यू पता होती है तो वो भी उसका ख्याल करता है कि चीज़ ज़ाय ना होने पाए बर्बाद ना होने पाए क्योंकि कितनी मेहनत जो है करके इसे हासिल किया गया है उसको इसका पता होता है लेकिन फाउंडर की तरह से नहीं फाउंडर ने जो मेहनत की होती है उतनी मेहनत तो बहरहाल बेटे की नहीं होती या तो इसने देखा है या बस शरीक हुआ है असल तो फाउंडर की मेहनत होती है लेकिन उससे कम दर्जे की इसके पास भी वैल्यू रहती है जो तीसरे नंबर पर आता है वो जब आँख खोला है तीसरे नंबर पर जो तीसरी नस्ल कह लीजिए जनरेशन कह लीजिए तो जब इसने आंख खोली है तो थोड़ी दौलत में ही आंख खोली है लेकिन फिर भी अपने बाप दादा को देखा है कि वो इसको बड़ी अहमियत देते थे और बड़ा सोच समझ करके खर्च करते थे और जो है बड़ी हिफाजत करते थे उसकी लेकिन फिर भी इसके अंदर उतनी सेंसियार्टी तो नहीं आएगी जो उसके बाप और दादा के अंदर थी क्योंकि बचपन से इसने दुख का ज़माना नहीं देखा है मेहनत का वो ज़माना नहीं देखा है ये तो जो है नाजो न्याम में पला है नियमतों में पला है तो बहरहाल कुछ ना कुछ शाह खर्ची इसके पास रहेगी और माल को बर्बाद करने और उस चीज की वो वैल्यू जो उसके बाप दादा के यहाँ थी उतनी इसके पास नहीं रहेगी तो पहले के मुकाबले में काफी फर्क आ जाएगा और जो चौथी जनरेशन होती है कहते हैं चौथी जनरेशन ये 4G में आ गया हम लोग याद रखिए अभी जो अभी 4G में चल रहे हैं ना फिफ्थ जी कभी कभी आता है तो जो है फाइव जी जो है तो ये फोर जी में कहा कि जो चौथी जनरेशन होती है उसमें ये तो बिल्कुल जो है नियमतों में ही पला बढ़ा है वो समझता है कि हम तो पुष्तिन ऐसे ही जो है मालदार हैं और ये दौलत तो हमारे घर की लौंडी है ये मनसब तो हमारा अपना पैदाइशी हक है उसके जहन में इस तरह की चीजें रहती हैं और बचपन से वैसे ही उसकी परवरिश होती है मेहनत करना वो क्या जाने पैसों की कदर कीमत वो क्या जाने और इस तरीके से वो पैसों को अपने मनसब को और जो बाप दादा की विरासत है उसको बर्बाद करना शुरू करता है और यहाँ से बर्बादी का ये सिलसिला शुरू होता है कभी भी आप किसी भी हुकूमत को ले लीजिए किसी भी ख़ानदान के शरफ़ को ले लीजिए और मुख्तलिफ जो है मालदारों को ले लीजिए कहते हैं कि यही उसकी पूरी कहानी होती है मेरे भाई यही उसका पूरा मामला होता है तो ये चंद बातें थी कहने की वो क्या है हमारे लिए नसीहत की कि जो माल इंसान को बगैर मेहनत के हासिल हो जाता है उसकी कीमत का उसे पता नहीं होता है उसकी वैल्यू वो नहीं जानता है और ऐसे ही औने पौने मामला कर देता है जिसकी वजह से इंसान बर्बादी की तरफ चला जाता है हमेशा अपने बच्चों को याद रखिएगा मैं यही नसीहत करना चाह रहा हूँ अपने बच्चों को मेहनत करने की आदत डालिए जो उन्हें सिखाइए उन्हें बताइए बचपन से ही उन्हें जो है ये सब चीज सब चीज़ों का आदि बनाइए हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमें चीज़ों की कीमत मालूम होनी चाहिए उसका जो है अंदाज़ा होना चाहिए तब जा कर के वो सही तरीके से जिंदगी बसर करेंगे और माशरे में समाज में अपने आप को किसी लायक बनाएंगे हम जो है कभी उनकी मोहब्बत में हम सब कुछ भूल जाते हैं और सही तरबियत जो उनकी होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं हमेशा उनको उनके वक्त की कीमत बताइए और दौलत की कीमत बताइए कि ऐसे ही पैसों को बर्बाद कर देना हाँ दस की चीज़ बीस में ख़रीद लेना ये कोई दानिशमंदी नहीं है ये कोई अकलमंदी नहीं है दस की जगह पर बीस खर्च कर देना ये कोई अकलमंदी नहीं है कमाने वाले को अंदाज़ा होता है कि पैसे कमाया कैसे जाता है मेहनत कितनी पड़ती है खानदानी जो शराफत है खानदानी जो इज्जत है इस इज़्ज़त को जो है कितना सही सही करके संभाल के रखना पड़ता है और इज्जत को नीलाम होने में देर नहीं लगती है बच्चे ये समझें कि हमें अपने घर की इज्जत का ख्याल रखना है हमें अपने घर के बारे में ख्याल रखना है और घर की इज्जत को नीलाम नहीं होने देना है मालूम होना चाहिए उनको ये चीजें जो है बचपन से उनको ये पता होना चाहिए पैसे हमारे पास चाहे जितने भी हों लेकिन खर्च करने का सलीका आना चाहिए और किसी भी चीज़ की कदर कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए उन्हें मेहनत करने की आदत होनी चाहिए हालात जैसे भी होंगे फिर वह हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो ये चीज़ थी नसीहत की असल बात तो ये थी इसमें व शरा बेसमन बख्सिन दरो मद व का नी है ये चंद दिरहम में क्यों बेच दिया इन्होंने क्योंकि इनके इस सिलसिले में कोई रगबत नहीं थी बेरगबत थे ये उनको लेकर के क्योंकि इनका अपना माल नहीं था अगर हम प्रोनाउन पूरा ये मानेंगे उस काफिले के उन लोगों के लिए जिन्होंने डोल्स जो है अंदर डाली थी कुएं के अंदर और अलैहिस्सलाम बाहर निकले थे जिन्होंने उसे उन्हें तिजारत समझ करके छुपा करके जो है रखा अपने पास जो है सामान्य तिजारत कह करके तो ये लोग उसे बेच दिए इंतहाई कम कीमत में क्योंकि इनको उसकी जो है हैसियत का, उनकी कीमत का कुछ भी अंदाजा नहीं था तो ये बेरगबत थे इनको उनके तल्लक़ से कोई रगबत नहीं थी वो नहीं चाहे कि अपने पास हम ही रख करके इनको इनसे जो है फ़ायदा उठाएंगे उन्हें उनकी कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटा बच्चा कल का नबी बनने वाला है और मिस्र के तख्त पर बैठने वाला है वो कुछ नहीं जानते थे तो ये बेरगबत थे उनको लेकर के और ऐसे ही उनको बेच दिया तो ये जाहिदीन लफ्ज जो आया है ना वक्ानफी है मिन जाहिदीन तो इसके अंदर भी ये माना है मेरे भाइयों कि जहिदा फ़ी का माना अरबी में होता है किसी चीज से एराज करना अवॉइड करना यानी उसकी तरफ मायल ना होना उसकी तरफ रगबत ना रखना ये माना हो जाता है तो ये जहीदा के अंदर फी जो अरबी में कहते हैं उसके अंदर ये माना हो जाता है अगर भाइयों की बात लेते हैं कि ये प्रोनाउन सब भाइयों के लिए है तो माना होगा कि भाई लोग यूसुफ के मामले में बेरगबत थे क्योंकि भाइयों का मामला तो सिर्फ ये था कि किसी तरीके से ये जा चले जाए यहाँ से और इनसे हमारी जान छूटे और हमारे बाप के सामने ये नहीं रहेंगे तो बाप की पूरी तवज्जो और मोहब्बत हमें हासिल हो जाएगी इसीलिए वो इंतहाई बेरगबत थे यूसुफ को और कम कीमत में गिनती के चंद दिरहम में उनको बेच करके अपना मामला जो है निपटा लिया ये मामला था ये चीज़ें जो है थी ये माना जो है इस आयत का किया जाता है ये तफसीर थी जो हमने आपके सामने पेश की है मेरे भाइयों وَشَرَوهُ بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. फिर से माना करता हूँ और उन्होंने यूसुफ़ को बेच दिया इंतहाई कम कीमत में गिनती के चंद दिरहम के बदले में और वो यूसुफ़ के मामले में बड़े बेरगबत थे वैसे मुफसरन ने तो यहाँ ये भी जो है अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से एक पॉइंट ये भी जिक्र किया है कि यह भी कहते हैं कि कहा गया वकानोफी ही मैन जाहन ये नहीं कहा गया वकानोफी ही जा ये यह नहीं कहा गया है यानी मिन इस्तेमाल किया गया है कि वो बेरगबत लोगों में से थे यह नहीं कहा गया कि बेरगबत थे क्योंकि जब यह कहा जाएगा वकानूफ़ी है मन ज्दीन तो उसमें माना ज़्यादा पैदा होता है इस बेरगबती की में और ताक़ीद पैदा हो जाती है तो उनकी बेरगबती को और इंतहाई दर्जे की बेरगबती को बयान करने के लिए कुरान में ये उसलूब इख्तियार किया गया कि वक़ानूफ़ी है मन जाहन और वो यूसुफ़ के मामले में बहुत ही बेरगबत थे उन्हें उनके मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अपने पास रखें उनसे आगे चल कर के उनको फ़ायदा हो सकता है ये सब कुछ सोचने के बजाय गिनती के चंद दिरहम में उनको बेच डाला इस तरह से एक बच्चा जो कि अपने बाप का इंतहाई लाडला बेटा है अपने बाप का लखते जिगर है जिगर गोशा है एक बेटा इंतहाई कम उम्र जो आगे चल करके नबी बनने वाला है जिसके बारे में ये कहा गया कि अल करीम उबन करीम इब्न करीम इब्न करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक इब्ने इब्राहिम के ये खुद भी करीम इनके बाप भी करीम इनके दादा भी करीम इनके परदादा भी करीम जो अपनी नस्ल के लिहाज से इतने ऊंचे खानवादे से ताल्लुक रखते हैं इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं इस बड़े खानदान का ये चश्मो चराग ये बच्चा गिनती के चंद दिरहम में बाजार मिस्र में फरोख्त तो हो जाता है बिक जाता है ये सब चीज़ें जो है नोट करने की होती है मेरे भाई ये है अल्लाह तबारक व ताला की तकदीर उसकी आजमाइश और इस तरह के हालात से लोगों को गुजरना होता है लोगों को इस तरह के हालात का सामना करना होता है कब किसके साथ क्या मामला पेश आए कोई नहीं जानता हालात कब कैसे करवट ले ले किसी को पता नहीं है इसलिए छोटे से ही आदत डालो अपने अंदर मेहनत करने की कुछ बनने की अपने अंदर हौसला पैदा करो अपने अंदर सलाहियत पैदा करो कि हालात जो है कैसे होंगे कुछ पता नहीं तो हालात चाहे जैसे भी हों उन हालात का सामना करने के लिए बचपन से ही हमें तैयार रहना चाहिए और हमें तरबियत वैसी मिलनी चाहिए अपने बच्चों को मेरे भाइयों ऐसी तरबियत दो जो है बचपन से ही उन्हें ये चीजें जो है सिखाओ और अपने आप को खुद किसी लायक बनाएं दूसरों के उस पर भरोसा करके अरे बाप दादा से इतना सब कुछ आया हुआ है वही काफी है नहीं खुद कुछ बनने की कोशिश करो ये दुनिया है दुनिया यकसा हर एक के साथ नहीं रहती दुनिया में कब किस तरह से कैसे हालात करवट ले कोई नहीं जानता है इसलिए बचपन से ही ऐसी तरबियत होनी चाहिए मैंने सुना है अपने बाज जो है साथियों से वल्ल आलम सही बात क्या है कि हमारे इस मुल्क में बाज लोग जो तजारत के लिए बहुत मशहूर है यानी उनका पूरा खानदान और पूरा जो है फैमिली बैकग्राउंड जो उनका है ना वो सिर्फ तजारत करते हैं वो लोग और तजारत के लिए काफ़ी मशहूर है वो तो कहते हैं कि बचपन से ही वो अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत देते हैं कि बच्चा जब चलने लगता है मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको इसकी जब चलने लगता है ना बच्चा तो बच्चा जब चलना शुरू करता है तो बच्चे को बुलाते हैं अपनी तरफ थोड़ा सा जो है और उसको अपना हाथ दिखाते हैं कि हाथ पकड़ ले जैसे ही पकड़ने आता है हाथ खींच लेते हैं और बच्चा गिर पड़ता है हालांकि बच्चा गिरेगा उसको चोट भी लगेगी सब कुछ होगा और बच्चे की जो मोहब्बत होती है उस मोहब्बत के लिहाज से ये चीज ठीक नहीं है लेकिन कहते हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत देते हैं कि बच्चा कभी किसी पर भरोसा मत करना अपने लिहाज से चलना भरोसा मत करना किसी पर अपने लिहाज से चलना ये ट्रेनिंग होती है उसकी चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो तुम्हारा अजीज रिश्तेदार ही क्यों ना हो लेकिन भरोसा किसी पर मत करना वरना ऐसे ही गिर जाओगे तो ये एक जो है मिसाल मैंने कहा ना आपसे कि जो है ऐसे जो है बाज लोगों के ताल्लुक से बात सुनी है हमने अल्लाह तला बेहतर जानता है लेकिन मैंने सिर्फ समझने के लिए आपके सामने ये पेश किया है और वक्त हो गया है तफसीर के इस दरस का तो हम यह दरस यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन इसके बाद हमारा दर्श जो है तारीख का दर्स होगा और खिलाफत राशिदा में उस्मान रफिया अब तौर खिलाफत के तल्क से बात आपके सामने रखी जाएगी आज का दरस इसी पर ख़त्म करते हैं सुबह निकल का, का शो अल्लास्तक इल्ला बात क्यों बोल लगे